बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी असिस्टेंट की टीचर आसमा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 4, द फ्लाइट ऑफ जू एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वी शुड नॉट ईट एनिमल्स। व्हाई वी शुड नॉट ईट एनिमल्स। हमें जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए? आइए इसका आंसर देखें। वी शुड नॉट ईट एनिमल्स। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। आज दे फील पेन, वो पेन फील करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। एंड नीड रेस्ट जस्ट लाइक अस। और इन्हें आराम की जरूरत होती है जैसे कि हमें होती है। वी शुड नॉट ईट एनिमल्स एज दे फील पेन एंड नीड रेस्ट जस्ट लाइक अस। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए इसलिए कि उन्हें हमारी तरह दर्द महसूस होता है, जैसे हमें आराम की जरूरत होती है ऐसे ही उन्हें होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स। हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? इसका आंसर देखिए, वी शुड लव एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम। वी शुड लव एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और इनकी केयर करनी चाहिए, यानी कि इनकी देखभाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विजिटिंग चिल्ड्रन वॉट थ्रोइंग एट क्रोकोडाइल। बच्चे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्रोकोडाइल की तरफ फेंकते हैं, यानी कि मगरमच्छ की तरफ थ्रो करते हैं? इसका आंसर देखें, चिल्ड्रन वर थ्रोइंग, बच्चे फेंकते हैं स्टोन्स, पत्थर, एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास, बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स एट दी क्रोकोडाइल। चिल्ड्रन वर थ्रोइंग स्टोन्स, एम्प्टी ग्लास, बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स एट दी क्रोकोडाइल। बच्चे क्रोकोडाइल की तरफ पत्थर, खाली ग्लास, बॉटल्स, बोतलें यानी के और प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो क्रोकोडाइल की तरफ थ्रो करते हैं, यानी के फेंकते हैं। यूनिट नंबर 2, द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट। लेसन नंबर 1, द वेदर एंड इट्स अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, वट इज मेंट बाय वेदर। वेदर का क्या मतलब है? वेदर इज द नेम ऑफ चेंजिंग कंडीशंस अराउंड अस एट एनी टाइम। वेदर इज द नेम, मौसम नाम है ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, हालतों के बदलने का, अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द है, एट एनी टाइम जो कि किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। वेदर इज द नेम ऑफ चेंजिंग कंडीशंस अराउंड अस एट एनी टाइम। मौसम तब्दीली का नाम है जो हमारे इर्द गिर्द होती है और ये तब्दीली कभी भी हो सकती है, यानी कि कभी मौसम ठंडा हो सकता है, कभी मौसम गर्म हो सकता है। तो वेदर की जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन वी सी द एयर। क्या हम हवा को देख सकते हैं? इसका आंसर देखें, वी कैन नॉट सी द एयर। हम हवा को नहीं देख सकते, बट इट इज ऑल अराउंड अस, ये हमारे इर्द गिर्द होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज रेन फॉल ऑन द अर्थ। जमीन पर जो है वो बारिश कैसे गिरती है? इसका आंसर देखिए, व्हेन क्लाउड्स आर टू हैवी, जब बादल जो हैं बहुत हैवी हो जाते हैं, दी वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन। तो फिर पानी जो है वो कतरों की सूरत में जमीन पे गिरता है जिसे बारिश कहते हैं। व्हेन क्लाउड्स आर टू हैवी, दी वॉटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन। जब बादल जो हैं बहुत ज्यादा हैवी हो जाएं तो फिर पानी कतरों की सूरत में जो है वो जमीन पर बारिश गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशंस।
वेदर की जो हालतें हैं, मुख्तलिफ हालतें हैं, उनके नाम लिखें। दी डिफरेंट वेदर कंडीशंस आर, मौसम की जो मुख्तलिफ हालतें हैं, क्लाउड्स, बादल, रेन, बारिश, स्नो, बर्फबारी एंड विंड और हवा है। लेसन नंबर टू है फर्टाइल सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन वन, व्हाई डू वी नीड फर्टाइल सॉइल? हमें फर्टाइल सॉइल की जरूरत क्यों होती है, इसका आंसर देखें। वी नीड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। हमें फर्टाइल सॉइल की इसलिए जरूरत होती है ताकि फसलों को बढ़ा सके, यानी कि इनकी नशोनुमा हो सके। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डज फर्टाइल सॉइल टर्न इंटू डेजर्ट? हाउ डज फर्टाइल सोइल, कैसे फर्टाइल सोइल टर्न मुड़ जाती है इंटू डेजर्ट, यानी कि सहरा में कैसे तब्दील हो सकती है? इसका आंसर देखें। इफ वी मिस यूज द फर्टाइल सोइल, अगर हम फर्टाइल सोइल का इस्तेमाल गलत करें, इट मे टर्न इंटू अ डेजर्ट, तो फिर ये सहरा में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच क्रॉप्स आर स्टेपल डाइट? स्टेपल डाइट जो है वो कौन सी है? राइस एंड वीट आर दी स्टेपल डाइट। चावल और गंदम जो है वो हमारी डाइट है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने सारे सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करना है। इंशाल्लाह 5 तारीख से आपके ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज की शक्ल में होगा और टोटल एमसीक्यूज जो होंगे वो 25 होंगे। इसके टोटल मार्क्स 50 होंगे। आपने अच्छे से पेपर्स की तैयारी करनी है। अगर पेपर्स के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर स्कूल ऑफिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।